tall, dark, and handsome hero. Station. इसका हाल देखा है? ऐसा मालूम हो रहा है कि सब लोग जा रहे हैं अमृतसर अपने पाप धोने। कहीं और चले जाओ, पर ना कि अमृतसरी कुलचे के चक्कर में पहुंच के सब इधर ही। क्या मुसीबत है? ओए! और तभी मिल्खा सिंह, ऐसे आप, ऐसे मां कौन चुकेगा? वही है ना जो दीपिका पदुकोण ने किया था पद्मावती ने पद्मावती
दुर्बल क्षणों में नारी कभी कभी ऐसा बचपना कर बैठती है। हाल ही में मेरे आश्रम की दो युवतियां ऐसी ही मूर्खता कर बैठी। अब मुझे ही देख लीजिए, 1984 के दंगों में मेरे पति मारे गए। तो क्या मैं सती हो गई? सिली सेंटिमेंट। जी नहीं, मैं तो इंडिया सती होने ही आई हूं। हाय मेरे मिस्टर नील मनचंदा, मेरे नीलू डार्लिंग, नीले पड़ गए। अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ चलकर आपके पति के अंतिम संस्कार में आपकी सहायता कर दूंगी, उसके बाद आपको अपने आश्रम ले चलूंगी। थैंक यू पप्पी जी, पर अब तो अगर ब्रह्मा भी इस धरती पर आ जाए तो मुझे मेरे निश्चय से नहीं बिगाड़ सकते। दरअसल ये प्रथा तो हमारे खानदान में पुश्तों से चली आ रही है, और हमारे खानदान की औरतों के बारे में जानते हैं क्या कहा जाता है? हमारे खानदान की औरतों के बारे में कहा जाता है कि जब वो अपने हस्बैंड की डेड बॉडी को गोद में लेकर चिता में उतरती है तो चिता स्वयं ही धू धू करके चमकती है। लगता है मैं इमोशनल होके कुछ ज्यादा ही बोल रही। मेरा इरादा आप लोगों को शॉक करने का नहीं था। I really didn't mean to. एक काम करते हैं, खाना खा लेते हैं। मैं जरा ब्रश करके आती हूँ। मुझे नहीं लगता ये सती होने जा रही है। अजीब औरत है। देखिए, मरने वाला कभी डिंडोरा पीकर नहीं मरता। मुझे तो लगता है इसका स्क्रू ढीला है। वरना इस जमाने में ऐसी सती पति ऐसा कुछ नहीं होता। I think she only wants attention. माफ कीजिएगा, मुझे लगता है मुझे आप सबसे बहुत ज्यादा अनुभव है और तुमसे तो बहुत ही ज्यादा। आंखें नहीं देखी उसकी, कितनी निष्पाप, पवित्र और उदार दिखती है। मुझे तो लगता है अपने पति की मृत देह देखते ही ये वही कर बैठेगी जिसका इसने अभी खुलेआम ऐलान किया है। इसके साथ पुलिस थाने जाकर रिपोर्ट लिखानी होगी, तभी इसे बचाया जा सकता है। मुझे इनसे कौन बचाएगा? आइए ना, एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। वाह, इस प्याज की कचौड़िया, हो हो, ये मसाले में डूबे इस सब्जियां, हो इस चटनी रायता भी है, हो हो हो, ये बूंदी के लड्डू है ना, ये मेरे लिए है। आपको शुगर है, आप करेले खाओ। नहीं चड़ी, कल्याणम भोजनम लगता है। बड़ा हैवी खाना लेकर ट्रैवल करती हैं आप। जी ठीक कह रही हैं आप। मैं दरअसल जब भी इंडिया आती हूँ ना, अपने मनपसंद पकवान जरूर खाती हूँ। ओ पकवान से याद आया, ये पानदान देख रहे हैं आप? ये पानदान मेरे नीलू डार्लिंग ने मुझे बगदाद से लाकर गिफ्ट दिया था। पान बेहद पसंद थे उन्हें। बस मैंने तो अब इरादा कर लिया है, ये पानदान इसमें रखे पान और मैं करार में समा जाएंगे। खैर छोड़िए, पान खाइए, पान खाइए ना, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, सो जाते हैं।
चालू कर दी। मैं नीचे गया था।